उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव करीब हैं, सियासी हलचलें तेज हो चली हैं, ऐसे में हमारा कुशीनगर समाचार यह मुहिम छेड़ा हुआ है कि पूरे जनपद कुशीनगर के भीतर निकायों में जाए में किए गए कार्यकाल के बारे में जनता से को रूबरू कराएं। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र नगर पंचायत खड्डा में है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता और इस जिले के प्रखर वक्ता श्री राजू तुलस्यान हैं। 12 में इनकी पत्नी श्रीमती शारदा तुलस्यान नगर पंचायत खड्डा की अध्यक्षा रही हैं और 5 साल लगातार रुखसाना लारी इस नगर पंचायत की अध्यक्षा हैं। तो अपने 5 साल के किए गए कार्यों से और इस बीते 5 साल में हुए कार्यों में किस नज़र से देखते हैं, आइए बात करते हैं राजू तुलस्यान जी से। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके कुशीनगर समाचार के सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल कि आपकी धर्मपत्नी 2012 में नगर पंचायत खड्डा की अध्यक्ष रही हैं, अपने किए गए 5 वर्ष का कार्यकाल में जो काम आपने जो किया वो आप दर्शकों को बताएं और जो वर्तमान में 5 साल में जो रुखसाना लारी द्वारा किए गए कार्य हुए हैं उनको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? ये सही है कि 2012 में खड्डा की जनता ने अपना अभूतपूर्व और प्रचंड समर्थन देके मेरी पत्नी श्रीमती शारदा तुलस्यान को यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया था। उन 5 सालों में मैंने क्या किया है खड्डा के लिए, इसकी समीक्षा यहाँ की जनता कर सकती है और वही इसका सही जवाब दे सकती है कि श्रीमती शारदा तुलस्यान के कार्यकाल में खड्डा ने विकास के कितने सोपान पार किए। जहाँ तक सवाल इन 5 वर्षों का है तो नगर पंचायत अध्यक्ष के पति होने के नाते या मेरे परिवार में नगर पंचायत अध्यक्ष पद रहा है उस नाते तो नहीं, लेकिन खड्डा के एक नागरिक होने के नाते मैं पूर्णतः इस 5 साल के कार्यकाल से असंतुष्ट हूँ। असंतोष का कारण क्या है? जनता अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन जब करती है तो जनता की अपेक्षाएं रहती हैं कि वो जनप्रतिनिधि जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो पद है वो एक बड़ा ही विशेष पद है। नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति शासनादेश और जनादेश के बीच का सेतु बंधन है। वह शासनादेश के अनुपालन को करते हुए जनता के हितों को सुरक्षित करता है। लेकिन मुझे यह खेद के साथ कहना है कि इन 5 वर्षों में हमारी नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रुखसाना लारी जी ने चुनाव जीतने के बाद आज तक खड्डा नगर में कभी अपना दर्शन नहीं दिया है। कभी वो खड्डा नगर के किसी भी समस्या या जनता की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच में उपलब्ध नहीं रही हैं। पूरे 5 साल के उनके कार्यकाल को उनके बेटे नासिर लारी ने संचालित किया है। फर्जी दस्तखत, सारे नियमों कानूनों की धज्जियां, संविधान की धज्जियां, और यहां तक कि आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इस 5 साल के भीतर 4.5 साल से खड्डा नगर पंचायत बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है और बिना बोर्ड की बैठक हुए बिना बोर्ड के प्रस्तावों के इन 4.5 सालों में जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में और उत्तर प्रदेश शासन की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति होते हुए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते हुए इस 5 साल में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया है नगर पंचायत खड्डा ने। लगभग उत्तर प्रदेश शासन ने 44 करोड़ रुपये खड्डा नगर के विकास के लिए दिए हैं इन 5 वर्षों में, लेकिन शायद 4 करोड़ का भी काम खड्डा नगर में नहीं हुआ है। और इसकी जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है सवाल उठाने की, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो इन मामलों पर मौन रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जनप्रतिनिधियों पर कि जनप्रतिनिधि मौन स्वीकृति वर्तमान अध्यक्षा को दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, आरोप नहीं है, ये सत्यता है और इसके प्रमाण हैं। 4.5 साल तक अगर कोई नगर पंचायत अध्यक्ष नगर पंचायत में न आए और बोर्ड की बैठक न करे तो जनप्रतिनिधियों को क्या ये सवाल उठाना नहीं चाहिए? 4.5 साल से नगर पंचायत में बिना बोर्ड के प्रस्ताव के करोड़ों रुपये की धांधलियाँ हुई, क्या किसी जनप्रतिनिधि को, किसी नेता को या किसी संभावित चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को इस विषय में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमामों जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन इन 4.5 वर्षों में किसी ने इस विषय में नहीं आवाज़ उठाई है। हमारा खड्डा, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित होने के कारण इसे अंतिम छोर न जानिएगा, ये उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार पर ही भ्रष्टाचार की इस तरह की आहट पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाती है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार हमारा नगर पंचायत खड्डा जिस तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था, उसी तेजी से इन 5 सालों में विनाश के कगार पर पहुँच चुका है। यानी कि बोर्ड की मीटिंग होती है, हर महीने होती है, नियमावली है, तो कैसे ये बोर्ड बिना आप आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्षा मौजूद नहीं रहती हैं, सभासद उस पर बैठते नहीं हैं, तो फिर वो प्रस्ताव पास कैसे होता है? मैंने फिर कहा कि ये मेरा आरोप नहीं है, ये सत्य है, और यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत के निर्वाचित सभासद हजारों बार इस बात की सूचना दे चुके हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे शिकायत कर करके थक चुके हैं कि हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा 4.5 साल से खड्डा से लापता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिग्नेचर से चेक भुगतान होते हैं, उनके सिग्नेचर से पत्रावलियाँ जाती हैं, उनके सिग्नेचर से पत्राचार होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद न रहते हुए भी मौजूद रहती हैं, और यह खेल से भ्रष्टाचार के कारण खेला जा रहा है। इसके पहले पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने इस पूरे भ्रष्टाचार को अपना संरक्षण दिया और 5 सालों के अंदर खड्डा नगर पंचायत को लूट कर बर्बाद कर दिया। एक बहुत बड़ा आरोप आपने लगा दिया पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के ऊपर कि नगर पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने संरक्षण दिया, भ्रष्टाचार में वो डूबे रहे स्वयं, यह बहुत बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया गया है, इसके क्या प्रमाण हैं आपके पास? फिर मैं कह रहा हूं कि आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर एक छोटी सी नगर पंचायत का अध्यक्ष जो विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, वह अगर 4.5 साल से नगर पंचायत को लूट रहा है, नगर पंचायत को बर्बाद कर रहा है, नगर पंचायत में उपस्थित नहीं है, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 महात्मा गांधी जयंती जैसे पर्वों पर भी जो आकर राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं फहरा पाता है, जो अपने जनता को कोरोना के भीषण महामारी के बीच में छोड़कर लापता है, जो कंबल बांटने के नाम पर गरीबों के फर्जी भुगतान लेता है, जो मास्क और सैनिटाइजर बांटने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर चुका है, जो सरकारी जमीनों को बेच रहा था, और वैसे समय में भी विधायक रहते हुए अगर श्री जटाशंकर त्रिपाठी चुप थे या मौन थे या उन्होंने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई कराने का प्रयास नहीं किया, तो यह उनका संरक्षण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान विधायक विवेकानंद पांडे भी हैं, तो क्या ऐसे में वो भी सदन के सदस्य हैं, क्या ऐसे में वो भी उन अध्यक्ष को संरक्षण दे रहे हैं क्या? विवेकानंद पांडे जी अभी मार्च में विधायक बने हैं, और विधायक बनने के बाद उन्होंने नगर पंचायत की इन स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया है। नहीं, बोर्ड की मीटिंग में वो शामिल हुए? बोर्ड की मीटिंग आहूत करना अध्यक्ष का काम है। नगर पंचायत अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की बैठक केवल अध्यक्ष आहूत कर सकते हैं, अध्यक्ष को बाध्य करके आप नगर पंचायत बोर्ड की बैठक नहीं कर सकते हैं, या कोई आदेश देकर के नगर पंचायत बोर्ड की बैठक नहीं कर सकते हैं। तो वह आहूत करना अध्यक्ष का काम है, और अध्यक्ष लापता है, और हमारे माननीय विधायक विवेकानंद पांडे इन 4-5 महीनों के भीतर इस बात के कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जो नींव भ्रष्टाचार की रख दी गई है और उस नींव पर जो भ्रष्टाचार का एक विशाल महल खड़ा कर दिया है, उसे ढहाने के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। आखिर में वो पुरुषार्थ करेगा कौन? अब अभी तो न्यायालयों में अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सबकी चेतना को जगा करके और सबके पास इन मुद्दों को रख करके मैं विगत 5 सालों से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने न्यायालयों में ये लड़ाई लड़ी है 5 सालों तक। अभी एक खड्डा नगर की बहुमूल्य सरकारी जमीन को जब नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र ने कब्जा करके, कोरोना की महामारी के समय जब पूरा देश अपने घरों में कैद था, तब बाउंड्री चला करके और उस जमीन पर कब्जा करके खड्डा नगर पंचायत के अध्यक्ष के पुत्र ने
कब्जा किया, यहाँ के ईओ देवेश मिश्रा ने उसका पूरा सहयोग किया और आज तक बचाव कर रहा है। ऐसे ऐसे मामलों को लेकर के मैं न्यायालय तक गया। अध्यक्ष के लापता होने, अध्यक्ष के बैठक नहीं करने पर सभासद न्यायालय में गए, और भी कई मामलों को लेकर के, भ्रष्टाचार के पूरे मामलों को लेकर के न्यायालय में हम लोग गए। न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया, शासन ने 5 बिंदुओं का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा, और नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से स्पष्टीकरण दे भी दिया, लेकिन उसके बाद भी शासन मौन रहा। तो इसका मतलब है कि शासन स्तर तक इस भ्रष्टाचार की जड़ें हैं, यानी कि शासन में बैठे लोग रुखसाना लारी को संरक्षण दे रहे हैं और माध्यम बन रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। ऐसे में जब रुखसाना लारी अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष नगर पंचायत कार्यालय नहीं जाती हैं, तो उनका सिग्नेचर कौन करता है और जिसके सिग्नेचर से पेमेंट होता है? मैंने शुरू में ही आपको बताया कि खड्डा नगर पंचायत का वर्तमान अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्रा, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के 3 मुकदमे हो चुके हैं, जिसको रोज अधिकारियों की फटकार पड़ती है, रोज जनता की धुतकार मिलती है, वह पूरी तरह से एक भ्रष्ट नकारा निकम्मा अधिकारी है, और इन सारी स्थितियों को आज तक उसने शासन और प्रशासन से अवगत कराने का कभी प्रयास नहीं किया। और यदि किसी सभासद ने, किसी जनप्रतिनिधि ने या किसी व्यक्ति नागरिक ने इन मुद्दों पर आवाज़ उठाई, तो केवल पत्रों में इन मुद्दों को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए उसने इस भ्रष्टाचार में पूरा सहयोग किया, और अधिशासी अधिकारी के सहयोग के कारण ही नगर पंचायत के पुत्र ने 4.5 साल तक पूरे नगर पंचायत का संचालन किया नगर पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। नहीं, सिग्नेचर करने की बात है तो वो आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? वह आरोप नहीं है, वह भी एक सत्य तथ्य है। यदि आज भी इन 5 वर्षों के भीतर रुखसाना लारी के नाम पर किए गए उनके हस्ताक्षरों की हस्ताक्षर एक्सपर्ट से जांच करा ली जाए तो सारे हस्ताक्षर फर्जी पाए जाएंगे, क्योंकि रुखसाना लारी जी हिंदी नहीं जानती हैं, वह सिर्फ उर्दू जानती हैं, और कार्यालयों में जितने हस्ताक्षर हुए हैं सभी हिंदी में हुए हैं। यहाँ तक कि चेक पर जो उर्दू में हस्ताक्षर हुए हैं वह भी रुखसाना लारी जी के हस्ताक्षर नहीं, उनके बेटे ने वो हस्ताक्षर किए हैं। और चूंकि अधिशासी अधिकारी बराबर संलिप्त हैं उनके इस भ्रष्टाचार में, इसलिए वह अपनी सहमति इस सारे कुकर्मों को देता रहा है। मामला माननीय न्यायालय में गया, न्यायालय ने अभी तक क्या कार्रवाई की? न्यायालय में 3 मामले गए। एक तो ये जो मैंने बताया सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का मामला, इसमें न्यायालय में मामला चल रहा है। खड्डा उपजिलाधिकारी के यहाँ भी चल रहा है। उपजिलाधिकारी के यहाँ से 1,68,19,200 रुपये का जुर्माना नासिर लारी के ऊपर किया गया है, और ज़मीन खाली करने का पीपी एक्ट के अंतर्गत नोटिस भी दिया गया है, जिसमें कार्रवाई चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय में इस कार्रवाई के विरुद्ध नासिर लारी ने रिट दाखिल की है, जिसमें भी नागरिकों की ओर से मैं वहाँ पे अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ, और न्यायालय का निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। और उसके बाद से सभासदों ने एक रिट दाखिल की थी इन सारे भ्रष्टाचारों और बोर्ड की बैठक नहीं होने और अनर्गल भुगतानों के ऊपर, तो माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देशित किया कि शासन तत्काल इस पर अपना कड़ी कार्रवाई करें। तो शासन ने केवल 5 बिंदुओं को पर नगर पंचायत अध्यक्ष को दोषी ठहराते हुए एक पत्र भेज कर के अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। ऐसे में बतौर एक नागरिक, बतौर अध्यक्ष नहीं, बतौर नेता नहीं, बतौर एक नागरिक, पूरे 5 साल में खड्डा नगर में क्या क्या समस्याएं हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, जहां पे भ्रष्टाचार होगा वहां अनंत समस्याएं होंगी, लेकिन मूल नगर पंचायत का जो कर्तव्य है अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, नगर को साफ और स्वच्छ रखना, नगर में भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना, और नगर के नागरिकों को एक शहर में रहने वाली समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, और इसमें पूरी तरह से यह कार्यकाल विफल रहा है। इसके पहले जो चेयरमैन रहे हैं खड्डा में, उन लोगों ने अपने अपने संसाधनों से, अपनी अपनी प्रयासों से, अपने अपने व्यवस्थाओं से नगर पंचायत के विकास को एक गति दी थी। और तमाम, अब श्रीमती शारदा तुलस्यान का अगर नाम लें हम, तो श्रीमती शारदा तुलस्यान के कार्यकाल में यहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ लगीं, जो महापुरुषों की मूर्तियाँ आज उपेक्षा का शिकार हैं। हमने वहाँ पे वो मूर्तियाँ लगवाई थी कि हमारे नगर के नौजवान और युवा पीढ़ी और बच्चे उन मूर्तियों से प्रेरणा ग्रहण करेंगे, लेकिन आज उन मूर्तियों को देख करके एक दर्द होता है। ऐसे ही नगर की सड़कों का हाल, जिन सड़कों को हमने चमकदार बनाया था, जो सड़कें रात को भी रास्ता दिखाती थी लोगों को, आज दिन में लोग उस पर चलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसे ही नगर में शुद्ध पेयजल के लिए हमने सदा नीरा योजना ला करके, एक जो 20 रुपये का आप बोतल खरीदते हैं 1 लीटर पानी, वह 1 लीटर पानी हमने 50 पैसे में खड्डा में दिया।
सदा नीरा योजना के माध्यम से 20 लीटर पानी 10 रुपए में हमने उपलब्ध कराया, आरओ प्लांट लगा करके उस योजना को ध्वस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी तरह 4 घंटे जनरेटर लाइट देने की जो व्यवस्था थी कि चाहे सरकार लाइट दे या न दे, लेकिन खड्डा की सड़कों पर रोशनी रहनी चाहिए, वो जनरेटर लाइट का सिस्टम बंद करके और आज भी उतने ही डीजल का भुगतान लेकर के उस जनरेटर को कबाड़ कर दिया गया। इसके अलावा जो संसाधन खरीदे गए इन 5 सालों में, वो सभी संसाधन औने पौने मनमाने दामों में खरीद करके और नगर पंचायत की सुख सुविधा के लिए वो उन एक भी संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। अभी आप नगर पंचायत कार्यालय चले जाएंगे तो देखेंगे एक ट्रक खड़ा हुआ है, जो ट्रक गाजियाबाद के कबाड़ से 6 लाख रुपए में खरीद कर लेकर 60 लाख रुपए भुगतान में खरीदा गया है। तो इतना भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार किसी, मैं भी मेरे परिवार के लोग भी नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों की सीमा जानता हूं। एक नगर पंचायत अध्यक्ष इतना बड़ा भ्रष्टाचार अकेले नहीं कर सकता जब तक कि पूरी व्यवस्था उसमें संलिप्त नहीं होगी। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के शहरों को जो विकास का एक कल्पना किया था परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, उस पूरी कल्पना को नष्ट करने का काम रुक्साना लारी के कार्यकाल में खड्डा नगर में हुआ है और उसके सहयोग में यहाँ के सारे नेताओं जनप्रतिनिधियों ने मिल करके पूरे खड्डा को आज इस तरह से बर्बाद किया है कि एक नागरिक के रूप में मुझे अपने आप को खड्डावासी कहने में शर्म महसूस होती है। चलिए, आने वाला चुनाव निकाय का होगा और संभवतः आप या आप अपने परिवार से किसी को दावेदारी के लिए मैदान में उतारेंगे, तो ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ते हैं या लड़वाते हैं तो क्या विज़न होगा आपका, ज़रा आप दर्शकों तक बताएं। अब आज के समय में चुनावों की जो परिस्थितियां हैं, चुनाव तो बहुत से मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पहला मुद्दा जाति का होता है, धर्म का होता है, संप्रदाय का होता है, उसके नहीं सीधा सीधा विकास के मुद्दे पे मैं, उसके बाद प्रलोभन होते हैं, उसके बाद से वोटों की खरीद बिक्री होती है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो ये निश्चित नहीं है कि आरक्षण में सीट कौन सी आएगी। अगर मेरी सीट आती है तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है 2012 से लेकर के 2017 तक श्रीमती शारदा तुलस्यान के कार्यकाल में किए गए कर्म। मैं उन कर्मों के बल पर एक बार पुनः जनता से यह आशीर्वाद मांगने जाऊंगा कि एक बार मुझे और अवसर दीजिए, ताकि जिस तरह से 2012 से 2017 तक विपरीत विचारधारा की सरकारों के रहते हुए भी मैंने खड्डा को विकास के अग्रणी कतार में लाकर खड्डा को उत्तर प्रदेश की नंबर एक नगर पंचायत बनाया था, उसी तरह से फिर से आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सहयोग सानिध्य और मार्गदर्शन में खड्डा को एक नंबर नगर पंचायत बनाऊँगा। ऐसे में जो नगर पंचायत खड्डा में भ्रष्टाचार जो कथित रूप से हुआ है वह कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है, तब सवाल उठता है कि ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग अगर अपने भ्रष्टाचार करने में सफल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की दावा करती है तो ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर महीने में बोर्ड की बैठक आहूत होनी चाहिए नगर पंचायत में, जिससे प्रस्ताव बनता है। तो ऐसे में जब रुक्साना लारी 4.5 वर्ष तक नगर पंचायत खड्डा में नहीं आई तो ऐसे में उनका सिग्नेचर कौन करता है, उनके नाम पे पेमेंट कौन निकालता है, यह बहुत बड़ा जांच का विषय की बात। फिर अगले निकाय के तरफ चलेंगे, फिर आपको नए जो अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष उनके 5 साल का ब्यौरा और जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे फिर बातचीत आपकी सुनवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।